सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो बीजेपी नेता का है जो 20 सरन पर ही जोर जोर से रो रहे हैं और एक शख्स का पैर पकड़ कर कहता सुनाई दे रहा है कि साहब मेरा सम्मान चला गया। वीडियो मिर्जापुर का है और वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स भाजपा का एक नेता है और वो SP का पैर पकड़ कर रो रहे हैं। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेता ने कैसे SP का पैर पकड़ रखा है और कह रहे हैं कि साहब मेरा सम्मान चला गया, अपने ही सरकार में इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। दरअसल ये शख्स बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति काशी प्रांत के मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिंह है जो ये कहकर फपक कर रो पड़े। आपको बता दें कि ये वाक्य शहर कोतवाली इलाके के नीमी के पास घटित हुआ है। मामला ये था कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान सांसद राम सकल के घर से लौट रहे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मंत्री अनिल सिंह के वाहन को पुलिस ने रोक लिया। अचानक बरसात में कागजात भूल जाने की बात है, उन्हें चालान काटने या वाहन सीज करने की बात कही गई। इस दौरान पुलिस के जवाब और व्यवहार से वे इतने भावुक हुए कि सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता जुटने लगे। खबर लगते ही जिला के SP मौके पर पहुंचे। SP के पहुंचते ही अनिल सिंह ने उनका पैर पकड़ कर कहा कि मेरा सम्मान चला गया है। इतना कहते ही वे रो पड़े, बीजेपी नेता को मनाने में लगे। पुलिस अध्यक्ष ने उन्हें समझा बुझा कर सड़क से उठाया। काशी प्रांत के मंत्री ने कहा है कि साहब मैं गरीब आदमी, आप मुझे गोली मरवा सकते हैं। काफी समझाने के बाद बीजेपी नेता अनिल सिंह शांत हुए। कहा है कि सांसद राम सकल के घर से लौट कर आते समय सहयोग की बात करने और चालान सीज सभी कार्रवाई मंजूर करने के बाद भी मेरा अपमान किया गया। अनिल सिंह ने कहा है कि ईमानदारी से काम करने और सरकार की नीतियों का समर्थन करने का परिणाम आज पुलिस ने बेइज्जत करके दिखाया। अपना परिचय देने के बाद भी वह अपमानित करती रही। जब परिचय पत्र दिया गया तो उसे फेंक दिया गया। मुझे बेइज्जत किया गया, आम जनता से पुलिस कैसा बर्ताव करती होगी। मेरे पिताजी राजनाथ सिंह के साथ राजनीति की, मैंने भी ईमानदारी से काम किया। आज मुझे पुलिस ने बेइज्जत कर दिया, कहा कि पुलिस स्वच्छंद हो गई है। चेकिंग के नाम पर बेइज्जत करना ये मौलिक अधिकारों का हनन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।